इस चैनल पर हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए उपायों को वीडियो में करके दिखाते हैं ताकि वे उपाय आपको आसानी से समझ में आ सके। 17 मई का दिन बहुत विशेष है क्योंकि इस दिन मासिक शिवरात्रि तो है ही, साथ में प्रदोष की भी तिथि पड़ रही है। ऐसे संयोग बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। वर्ष में ऐसे संयोग सिर्फ 2 से 3 ही देखने को मिलते हैं। और गुरु जी के बताए कुछ उपाय शिवरात्रि के होते हैं और कुछ उपाय प्रदोष के होते हैं। और अगर आप इस प्रदोष में पड़ने वाली शिवरात्रि में उन उपायों को करेंगे तो आपकी जो भी कामना है या फिर जिस उद्देश्य से आप वह उपाय कर रहे हैं, वह शिव पूजन कर रहे हैं, वह शीघ्र अतिशीघ्र पूरी होती है। और इस वीडियो में हम आपको गुरु जी के बताए शिवरात्रि और प्रदोष के 11 विशेष महाउपाय बता रहे हैं। इन उपायों में इच्छा पूर्ति, मनोकामना पूर्ति, शीघ्र व्यवहार, रोग मुक्ति के महाउपाय शामिल हैं। तो आप वीडियो अंत तक देखें ताकि कोई भी उपयोगी उपाय की जानकारी आपसे ना छूटे। किन मंत्रों का उपयोग करते हुए, महादेव के किन नामों का उपयोग करते हुए आपको उपाय करना है, उसकी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे रहे हैं। उपाय सुबह या शाम कब करना है, उसकी जानकारी भी आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। और सभी उपाय हम आपको वीडियो में करके दिखाएंगे ताकि उपाय आपको आसानी से समझ में आ सके। तो बिना कोई देरी किए बढ़ते हैं पहले उपाय की ओर। आपके मन में कोई उद्देश्य, चाहे वह शीघ्र विवाह का हो, या फिर आप कोई नौकरी के लिए जा रहे हो, या फिर आप कोई व्यापार की शुरुआत कर रहे हो, या फिर कोई ऐसी कामना जो लंबे समय से पूरी नहीं हो पा रही हो, घर में धन संपदा की कमी हो, तो आपको चावल के 108 दाने लेकर शिवालय पहुंच जाना है। 108 चावल के दाने लेकर शिवालय पहुंच जाएं और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए ये सभी 108 चावल के दाने आप शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर दें। 108 चावल के दाने आपको पूरे लेना है, मतलब खंडित नहीं होना चाहिए, टूटे फूटे नहीं होना चाहिए, पूर्ण चावल के दाने ही आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है। चावल के दाने शिवलिंग पर अर्पित करते समय आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए आप अपनी मनोकामना महादेव से बोल सकते हैं। इसके बाद एक बार और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल दीजिए, बस इतना ही करना है। यह एक विशेष उपाय है जिसे आप किसी भी प्रदोष या फिर किसी भी मासिक शिवरात्रि में करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं, अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना को पूरी करवा सकते हैं। यह एक विशेष मनोकामना पूर्ति उपाय है। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। जीवन में परेशानियाँ खत्म ही नहीं हो रही हो, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके भाग में बहुत दुख, तकलीफ और कष्ट लिखा हुआ है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको शिवालय जाना है, शिव मंदिर में जाना है और महादेव की चौखट की जो धूल होती है, जो रज होती है, उसे आपको हाथ फेर लेना है और उसके बाद उन्हीं हाथों से अपने मस्तक में एक त्रिपुंड बना देना है, आंशिक त्रिपुंड बनाना है, जैसा आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं। मतलब देहरी में हाथ फेरिए, उसके बाद आपके हाथ से मस्तक में अपने हाथ की 3 उंगलियों का उपयोग करते हुए अपने मस्तक में ऐसे हाथ फेर लीजिए, 3 लाइन बना लीजिए। इस प्रकार से अपने मस्तक पर आंशिक त्रिपुंड बनाने वाले के जीवन की सभी परेशानियां, दुख, तकलीफ और कष्ट उसके जीवन से दूर होना निश्चित है, क्योंकि उसे महादेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। गुरुजी ने कहा अगर आपका कोई पैसा लेकर चला गया है, वह पैसा लौटा नहीं रहा है, तो आपको एक विशेष उपाय करना है। आपको 7 सफ़ेद पुष्प लेकर शिवालय पहुँच जाना है और 7 सफ़ेद पुष्प आपको एक एक करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए उस व्यक्ति का भान करते हुए जो आपका पैसा लेकर चला गया है, पैसा लौटा नहीं रहा है और एक से बढ़कर एक बहाने बता रहा है, तो उसका भान करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम 7 बार बोलते हुए 7 सफ़ेद पुष्प को शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। 7 पुष्प को शिवलिंग पर एक एक करके अर्पित करना है। 7 पुष्प शिवलिंग के ऊपर अर्पित करने के बाद आप चाहो तो 1 कलश साफ जल शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर दें। गुरु जी ने बताया है कि इस प्रकार से शिवलिंग पर 7 सफ़ेद पुष्प अर्पित करने के बाद महादेव को वह व्यक्ति का नाम बताने के बाद वह व्यक्ति 1.5 से 2 महीना होगा आपके घर पर पैसा लाकर देगा, उसे बेचैनी होने लगेगी, उसे पैसे लौटाने की खुद वह फ़ोन करेगा और खुद पैसा लौटा के जाएगा, उसे पैसा लौटाने की इच्छा अंदर से ही जागृत हो जाएगी और आपका पैसा आपको प्राप्त हो जाएगा। यह एक विशेष उपाय है जिससे आप किसी भी प्रदोष या फिर किसी भी मासिक शिवरात्रि में कर सकते हैं। तो इस प्रदोष वाली मासिक शिवरात्रि में यह उपाय करके आप अधिक से अधिक लाभ जरूर प्राप्त करें। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। गुरुजी ने एक बिल्कुल विशेष उपाय बताया था जिसमें आपको 5 बेलपत्र और 1 सफ़ेद पुष्प का उपयोग करना है। यह विशेष उपाय उन्हें करना है जिनकी कोई इच्छा लंबे समय से पूरी नहीं हुई हो, या फिर आपको किसी व्यक्ति से कोई कार्य निकलवाना हो पर वह आपका कार्य नहीं निकाल रहा हो, फाइल आगे नहीं बढ़ा रहा हो, मतलब आपका कार्य पूर्ण नहीं हो रहा हो, तो अटके हुए कार्य के लिए भी आप इस विशेष उपाय को इस प्रदोष में या फिर मासिक शिवरात्रि में कर सकते हैं। आपको 5 बेलपत्र और 1 सफ़ेद पुष्प लेकर शिवालय पहुंच जाना है। यह उपाय आप सुबह करेंगे तो काफ़ी अच्छी बात है। 5 बेलपत्र को आपको एक साथ शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है।
पांचों बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर इस प्रकार से अर्पित करें कि बेलपत्र की जो डंडी होती है वह जलाधारी की ओर हो। और बेलपत्र को अर्पित करने के बाद आपको इन्हीं बेलपत्र के ऊपर एक सफ़ेद पुष्प अर्पित कर देना है। बेलपत्र और सफ़ेद पुष्प अर्पित करते समय आपको अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करना है। अवधूतेश्वर महादेव का नाम जाप भी आप कर सकते हैं और सफ़ेद पुष्प को इन्हीं बेलपत्र के ऊपर अर्पित कर दीजिए। सफ़ेद पुष्प अर्पित करते समय भी आपको अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेना है। यह एक विशेष उपाय है जिसे आप किसी विशेष प्रदोष पे या फिर मासिक शिवरात्रि में कर सकते हैं और यह काफ़ी महासंयोग वाली बात है कि इस बार प्रदोष और मासिक शिवरात्रि एक साथ 17 मई को है, तो इस दिन आप यह उपाय करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं, अपने अटके हुए कार्यों को पूर्ण कर सकते हैं। बेलपत्र और सफ़ेद पुष्प अर्पित करने के बाद आपको इन्हीं के ऊपर एक कलश साफ जल अर्पित कर देना है। जल अर्पित करते समय महादेव का अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करें और पूरा जल इस बेलपत्र और इस पुष्प के ऊपर अर्पित कर दें। बस इतना ही करना है। महादेव स्वयं आपके जो अटके हुए कार्य हैं, जो मनोकामना है, जो लंबे समय से पूरी नहीं हुई हो, वह निश्चित पूरी कर देते हैं। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके कार्य बनते बनते अटक जाते हैं, अड़चने आ जाती हैं, मतलब वह कार्य पूर्ण नहीं हो पाता है और फिर वह लंबे समय के लिए अटक जाता है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको पितृ दोष है, या फिर आपके घर में आपके हाथ से बर्तन गिरते हैं, तो गुरुजी ने एक विशेष उपाय की जानकारी दी है। आप देख सकते हैं, आपको शिवलिंग पर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर एक बेलपत्र अर्पित करना है, पर बेलपत्र विशेष तरीके से अर्पित करना है। बेलपत्र की जो डंडी होती है वह शिवलिंग की ओर होना चाहिए और बेलपत्र की बीच वाली पत्ती जलाधारी की ओर होना चाहिए। इस प्रकार से विशेष तरीके से बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर अर्पित करने के बाद आपको इस बेलपत्र के ऊपर पंचामृत अर्पित करना शुरू करना है। पूरा पंचामृत आपको इस बेलपत्र के ऊपर अर्पित नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखें। आपको आधा या थोड़ा सा पंचामृत इस बेलपत्र के ऊपर अर्पित करना है और बचा हुआ पूरा पंचामृत आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। बस इतना ही करना है। इसके बाद आप एक कलश साफ जल शिवलिंग के ऊपर जरूर अर्पित कर दें। गुरुजी ने कहा है, इस प्रकार से यह उपाय करने वाले के पितर अगर तृप्त नहीं है तो महादेव उन्हें तृप्त कर देते हैं और आपके जीवन में अटके हुए कार्य बनने लगते हैं और जीवन में आपको जिस क्षेत्र में भी आप आगे बढ़ते हैं उसमें सफलता देखने को मिलती है। तो यह एक विशेष उपाय है जिसे आप किसी भी माह की प्रदोष या फिर मासिक शिवरात्रि में कर सकते हैं और 17 मई की विशेष प्रदोष शिवरात्रि में उपाय करके आप अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। गुरुजी ने शास्त्र नीति के अनुसार शिवलिंग पर त्रिपुंड बनाने का तरीका बताया है और गुरुजी ने कहा, इस प्रकार से त्रिपुंड बनाने वाले के जीवन में कितनी भी समस्याएं क्यों न चल रही हो, महादेव स्वयं उसका हाथ पकड़कर उसे समस्याओं से, परेशानियों से बाहर निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने हाथ की बीच की दो उंगलियों का उपयोग करते हुए शिवलिंग पर दो लाइन खींच देना है। दो लाइन खींचने के बाद आपको अपने अंगूठे के पास की जो उंगली है उसका उपयोग करते हुए इन्हीं दो लाइनों के नीचे तीसरी लाइन खींच देना है। गुरुजी ने कहा, यह तीसरी लाइन जब आप नीचे खींचेंगे तो महादेव आपका हाथ थाम लेंगे और आपके जीवन में कितने भी दुख, तकलीफ और कष्ट चल रहे हों, महादेव उनको आपसे बाहर निकाल लेंगे। तो यह एक विशेष उपाय है जिसे आप रोज़ कर सकते हैं, पर कुछ विशेष स्थितियों में आप करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो इस 17 मई की प्रदोष शिवरात्रि में यह उपाय करके आप अधिक से अधिक लाभ जरूर प्राप्त करें। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। बहुत बीमारियां चल रही हो, दवाइयां ख़त्म नहीं हो रही हो, एक के बाद एक दूसरे हॉस्पिटल में जाना पड़ रहा हो, असाध्य बीमारी हो गई हो, बहुत बड़ी बीमारी हो गई हो, या फिर बहुत बड़ी बीमारी का अंदेशा लग रहा हो, तो आपको एक बेलपत्र लेना है और इस बेलपत्र को शिवलिंग पर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित कर देना है। बेलपत्र को शिवलिंग पर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर इस प्रकार से अर्पित करें कि बीच वाली पत्ती का मुख शिवलिंग की ओर हो और डंडी जो रहती है वह जलाधारी की ओर हो। इसके बाद आप यह भी प्रयास कर सकते हैं, जो बीच वाली पत्ती आपने माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित की है उसका स्पर्श शिवलिंग से हो। इसके बाद आप एक कलश जल इसी बेलपत्र के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए अर्पित करना शुरू करें। इसके बाद कुंतकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए थोड़ा सा जल प्राप्त करके आपको उस जल का आचमन 3 बार करके करना है। एक बार में ही आचमन करना है, इस जल को रात भर नहीं रखना है। एक बार में ही जल का आचमन करें पर 3 बार करके लें, जैसे कि हम कोई सभी चरणामृत या प्रसाद प्राप्त करते हैं। इसके बाद कुंतकेश्वर महादेव का स्मरण करें, कितनी ही बड़ी बीमारी क्यों न चल रही हो वह जरूर ठीक हो जाती है और आपको रोग मुक्ति प्राप्त होती है। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। अगला उपाय माता पार्वती की विशेष कृपा प्राप्त करने वाला उपाय है। गुरुजी ने कहा है, आपको शिवालय में जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करना शुरू करना है। सबसे पहले गणेश भगवान, फिर कार्तिकेय भगवान, फिर माता अशोक सुंदरी और इसके बाद शिवलिंग का जो कटीय भाग होता है वहाँ पर जल अर्पित करना है, पर आपको शिवलिंग के ऊपर जल अर्पित नहीं करना है। इसके बाद यह जल आपको
बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाकर अर्पित कर देना है। गुरुजी ने कहा, इस प्रकार से जल अर्पित करने से महादेव कहेंगे, यह भले ही मुझ पर जल चढ़ाना भूल गया हो, पर इसने तुम्हारे हस्त कमलों पर जल चढ़ाया है, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जल चढ़ाया है, तो मैं जितना भी प्रदान करता हूँ तुम उससे 10 गुना उसे प्रदान कर दो। और माता पार्वती उस भक्त को जिस उद्देश्य से वह जल चढ़ा रहा है वह प्रदान कर देती हैं। पर यह एक विशेष उपाय है जिसे आपको सिर्फ और सिर्फ विशेष प्रदोष में करना है, और इस शिवरात्रि वाले विशेष प्रदोष में करके आप अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा, यह उपाय आपको रोज नहीं करना है, सिर्फ विशेष प्रदोष में ही यह उपाय कर सकते हैं, अन्यथा आप यह उपाय ना करें। तो इस विशेष प्रदोष में आप यह उपाय करके अधिक से अधिक लाभ जरूर प्राप्त करें। अपने किसी भी उद्देश्य के लिए किसी भी मनोकामना को मन में रखते हुए आप यह उपाय कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। गुरुजी ने कहा है, किसी भी माह में पड़ने वाली मासिक शिवरात्रि में आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उसका पूजन अर्चन करके शाम को आपको कोई भी नदी जलाशय बावड़ी में उसका विसर्जन कर देना है। इस प्रकार से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजन करने वाले के जीवन में कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है, घर में किसी की भी अकाल मृत्यु नहीं होती है। तो आप यह उपाय जरूर करें और अपने घर के सभी सदस्यों से इस पार्थिव शिवलिंग में एक बूंद ही सही पर जल जरूर अर्पित करवाएं, ताकि उसे भी इस पार्थिव शिवलिंग का पूजन का फल प्राप्त हो सके। इस वीडियो में बताए गए सभी उपायों से संबंधित अगर अभी आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप वह प्रश्न कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करना मत भूलिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।